बचपन में बटरफ्लाई पकड़ने की कोशिश आखिर किसने नहीं की। और भी ऐसे क्रिएचर आपने नेचर में ज़रूर देखे होंगे, और इन सभी क्रिएचर्स यानी इन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम ब्रॉडली इंसेक्ट्स के नाम से जानते हैं। एज ए एग्रीकल्चरल स्टूडेंट आपको ये पता होगा कि इन्हीं इंसेक्ट्स में से कुछ इंसेक्ट्स फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं और फार्मर्स का लॉस करते हैं, और इसी में से कुछ इंसेक्ट्स फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं। हमारा एम्बिशन होना चाहिए कि फार्मर्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम नुकसान हो। इसके लिए हमें इस ऑर्गेनिज्म यानी जिसे हम इंसेक्ट या हिंदी में कीट बोलते हैं, इसकी स्टडी इन डेप्थ करनी पड़ेगी। इंसेक्ट एक लिविंग क्रिएचर है यानी जीवित प्राणी है, तो इसकी स्टडी हम बायोलॉजी में करेंगे, और ऐसी बायोलॉजिकल साइंस जिसमें इस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है उसको एंटमोलॉजी कहा जाता है।